हे वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जो अगले हफ्ते मैं आया था ना, जिधर मछली पकड़ने के लिए फिशिंग जिधर हो रहा था मैं उधर आया था। अगले हफ्ते तो मछली अच्छे से हुआ नहीं, तो नसीब अच्छा नहीं था इसलिए मछली नहीं मिला। तो फिर से मैं इस हफ्ते आया हूँ, चलो दिखाता हूँ अगर मछली होगा तो अच्छा है, नहीं तो अभी बारिश के टाइम है, चारों तरफ कीचड़ कीचड़ है। तो मैं उस तालाब के पास फिर से आया हूँ। तो उस बंदे ने मुझे बोला था कि हर हफ्ते आते रहे, बड़े बड़े मछली होता है तो कुछ ना कुछ दिखाऊँगा, तो इसलिए मैं फिर उन लोगों के बात सुन के आया हूँ। मालूम नहीं किधर बैठा हुआ है अभी। तो ये देखो, फिर आने से बाद इधर पूरा कीचड़े कीचड़ हो गया, ये रहे तालाब। तो मेरे ख्याल से उस तरफ ही होगा, चलो इस तरफ जा के देखते हूँ, और होगी तो अच्छी बात है। ओ, चारे बना रहे थे मछली के लिए, उनके पास ही आया हूँ फिर से। और ये रहे भाई साहब, वो रहे जो मछली पकड़ रही है अभी। ये मछली के लिए चारा दे रहे हैं सूजी के साथ। मालूम नहीं ये कौन सी चीज देता है ये लोग। ये देखो, मेरे ख्याल से नारियल का अचार होगा, चटनी वटनी, और चिट्ठी के वंडा रहता है वही रहता है इसमें, वो मछली ज़्यादा पसंद करता है। तो इस तरफ भी आदमी है, वो देखो बैठा हुआ है। चलो मछली दिखाता हूँ किधर है। अभी मछली को चारा दे दिया, देखता हूँ कब मछली होता है। तो मैं इधर मछली पकड़ के रखा है, जाके देखता हूँ हुआ कि नहीं हुआ। ये रहे नेट, पानी के अंदर मछली है कि नहीं। यार इसमें स्लिप होगा, जाने पे दिक्कत होती है। इधर है मछली, ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं, बस एक बड़ा सा मछली है और बाकी सब छोटा छोटा। ये रहे, चलो इसको पानी के अंदर ही डाल देता हूँ। तीन चार मछली हुआ, तभी उन लोगों के पास जाके देखना पड़ेगा, कोई किसी की मछली छूना नहीं थे। तो ये भाई साहब बोल रहा है जो मछली पकड़ने आए थे, तो अभी मौसम अच्छा नहीं है इसलिए मछली हुआ नहीं ज़्यादा से। अभी बारिश का पूरा मौसम है ना, अभी ये देखो पूरा कीचड़ ही भरा हुआ है। इधर रास्ते में आते आते हो तो आप लोगों ने देखा, तो इसलिए मछली नहीं हुआ ज़्यादा। तो सारे बंदों को वही हालत है, वो देखो तालाब की उस तरफ सारे बंद बैठा हुआ है, वैसे ही बैठा हुआ है, मछली कुछ नहीं हुआ। और इधर भी बैठा हुआ है भाई, सब कुछ आदमी छतरी लेकर, देखो चलो देखते हूँ थोड़ी देर बैठ के, अगर होगा तो अच्छी बात, नहीं तो चला जाऊँगा। तो मैं अभी उस तरफ था, उस तरफ से अभी आया इधर, एक मछली हुआ है। ये देखो कौन सी मछली है मालूम नहीं, इसका नाम सही से मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से ये 4-5 किलो का ही होगा, बस एक पीस ही हुआ है इधर। तो और एक अंकल की मछली देखने के लिए मैं आया हूँ इधर। देखो इन लोगों के ज़्यादा मछली नहीं है, बस एक पीस ही हुआ इधर, बस एक पीस ही। तो भाई मछली देखते देखते मैं इस तरफ खेत की तरफ, देखो इतना अच्छा लग रहा है, इधर हवा चल रही है ना, पूरा खेत ऐसे लहरा रही है। तो अभी मैं मछली देखते देखते अभी घर की तरफ ही जा रहा हूँ, लेकिन और एक अंकल के पास जाके मैं पहले चेक करूँगा उधर मछली हुआ कि नहीं। उधर देखने के बाद फिर जाऊँगा घर की तरफ, क्योंकि अभी दोपहर हो रही है, अभी घर नहीं जाऊँगा तो घर में खाना खाने के टाइम सबके साथ कब बैठ के खाना खाना पड़ता है, नहीं खाऊँगा तो घर में गुस्सा हो जाएगा, इसलिए चारों तरफ कीचड़ भी है, जाने में दिक्कत हो रही है। तो मैं चलो कंटिन्यू करता हूँ। इधर बड़े बड़े मछली है, लेकिन अभी होता क्यों नहीं मालूम नहीं, लगता है सब बोल रहे हैं तो अभी बारिश के लिए इसलिए मछली ज़्यादा नहीं हो रही है। चलो देखते हैं। तो अभी उधर से देख के आने के बाद इनकी नेट देखता हूँ, उधर बैठा हुआ है वो बंदा, वो देखो। और इनकी मछली ये रहा, बस एक कांटे वाले मछली हुआ और दो बड़े बड़े कांटे वाले ही मछली हुआ और कुछ नहीं, उसका सींग रहते मालूम नहीं उसे क्या कहते हैं। ये देखो चारों तरफ कीचड़ कीचड़। तो जिन लोगों की मछली अभी दिखा रहा था वो अभी ये देखो बैठा हुआ है। तो हर हफ्ते इनके पास ही आऊँगा मैं मछली देखने के लिए, अभी बैठ के ज़्यादा मछली नहीं हुई बारिश के लिए ना, तो अभी ज़्यादा मछली नहीं हुआ इसलिए बोला, ज़्यादा मछली नहीं हुआ इसलिए मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। चलो अभी मौसम सही नहीं इसलिए मछली ज़्यादा नहीं हुआ, अगर बोल रहे शाम के टाइम में आ दिखाता हूँ कितना सारा हो।
मौका मिले तो आऊँगा, नहीं तो आज के ब्लॉग बस इतने से लिए। ओके बाय।